हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माजीदाता प्लांट्स केयर। फ्रेंड्स देखिए कितना किस तरह से वेजिटेबल्स लगी है तुराई की। मैंने ऑनलाइन में इसकी बीज लगाई मंगाई थी और इतनी बढ़िया नहीं है इस बार वेजिटेबल्स, क्योंकि मैंने बीज पुराने वाले ही बचा के रखे डाली थी। इस मर्तबा देखिए कितने अच्छे से हार्वेस्ट करना है। अभी दो दिन के बाद तैयार हो जाएगी तुराई। अभी एक माह या 20 डेज पहले मैंने इसकी वीडियो बनाकर डाली थी तो बेलें कुछ छोटी छोटी सी थे। अभी कितना जल्दी कितना अच्छा खास ग्रोथ हुई है। कहाँ जहाँ पर भी देखो येलो कलर फूल बने हैं, देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ी सी मेहनत पर वेजिटेबल्स भी बिना केमिकल के किचन के लिए मिलेगी थोड़ी सी। जब गार्डन में 8 डेज हो जाते हैं कुछ नया देखने को मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने छोटा सा 1-2 इंची पीस डाली थी तो गन्ना लग गया है। कितने अच्छे से ग्रोथ हुआ है और बहुत ज़्यादा ही वेजिटेबल्स लगे हैं। देखिए फ्रेंड्स, उधर तुराई, इधर करेला, ये देखिए बहुत सारे करेले लगे हैं। कम खर्च, ज़ीरो बजट में आप भी इस तरह से डाल सकते हैं किचन वेस्ट से। थोड़ी सी मेहनत लगती है और फूल वाले भी प्लांट्स डालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगता है, बिना फूल के गार्डन अधूरा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, छोटी सी 2 इंची नोड डाली थी, इतनी सी, इतनी खास ग्रोथ हो रही है। और फ्रिज का वेस्ट कंटेनर में पपीते का प्लांट लगाई थी, किस तरह से इस मर्तबा पपीते भी लगे हैं। देखिए फ्रेंड्स, तारसी पर जगह नहीं है, खाली रहने के बजाय कुछ ना खुलने पर किस तरह से लग जाता है। ये देखें कितना अच्छा खास ग्रोथ हो रही है टमाटर के प्लांट की। और ये गेंदे का प्लांट है और ये बसले का प्लांट है। जब मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो इसको चबा कर थूकने से या इसकी सब्ज़ी बनाने से छाले ख़त्म हो जाते हैं। बहुत आयुर्वेद काम आता है ये बसले का पत्ता। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया लगे हैं टमाटर। ये रेनी सीजन फ्लावर के बीज हैं, इसको निकाल कर डालने से न्यू प्लांट, बेबी प्लांट बन जाएंगे। ये अनानास का प्लांट लगाई हूँ, बड़े अच्छे से इसके जड़े निकले हैं। ये देखिए, इसी पहले बहुत ज़्यादा ही गुलाब के फूल की पॉट, उसकी रिपोर्टिंग, इसकी मिट्टी, इसकी खाद, कई एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, कितने बड़े बड़े फूल लगे हैं। चावल का पानी, मौस के पत्तियाँ, किचन वेस्ट डालने पर इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट गार्डन में मिला है। इससे पहले बहुत ज़्यादा 10-10 लगे थे, वीडियो बना चुकी हूँ मैं। इस पर भी 3 कलियाँ लगे हैं, बहुत इतना बड़ा सा है। देखिए फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से लगा सकते हैं रेनी सीजन में। किचन वेस्ट से इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट रिजल्ट मिला है मुझे। आप भी इस तरह से ग्राफ्टिंग प्लांट लगा कर, ये प्लांट की 4 साल हो गए फिर भी गार्डन में इतनी ज़्यादा धूप में भी प्लांट को बचा के रखी थी। अभी रोज़ मास ख़त्म हो चुके हैं, इससे पहले कई एक वीडियो बना चुकी हूँ। अभी इसको कटिंग करना बाकी है। कटिंग करने पर न्यू कोमे और कलियां फूल लगेंगे फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड, रेनी सीजन में इस कटिंग से ये भी छोटी सी कटिंग लगाने पर इतनी अच्छी ग्रोथ हो सकती है ये बेल की। और ये देखिए बनाना वाइन कितने छोटे पार्ट में कितने अच्छे से ग्रोथ हुई है, ये भी कटिंग से बड़े आसानी से लगा सकते हैं। देखिए इसमें किस तरह के जड़े निकले हैं, ये कट कर कर लगाने से न्यू बेबी प्लांट बन जाएगा फ्रेंड्स। सर स्पाइडर प्लांट तो बड़े आसानी से कटिंग के थ्रू बेबी प्लांट लगाने पर लग जाते हैं। रेनी सीजन में कितना बढ़िया बढ़िया ग्रोथ हुई है देखिए फ्रेंड्स, ये सदाबहार है। ये देखिए स्पाइडर प्लांट के न्यू बेबीज इस तरह के होती हैं और जड़ें इसको कटिंग कर कर लगाने पर बहुत जल्दी ही ग्रोथ हो जाएगी। देखिए किस तरह मैं एक बेबी छोटा प्लांट लगा कर लगाई थी, किस तरह से कितना खूबसूरत ग्रोथ हुई है। आप भी इस तरह से गार्डन में लगा सकते हैं, इसको वन गेले कहते हैं। ये मेरे हेन है, मुझे मिट्टी को रिसाइकल करके देते हैं और इनकी खाद भी प्लांट्स को बहुत हेल्पफुल होती है। आप भी इस तरह से तारसी पर बेकर रहने के बजाय प्लांट्स इस तरह से हैं कुक रख सकते हैं, देखकर बड़ी खुशी मालूम होती है और आपका टाइम भी पास हो जाएगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। देखिए फ्रेंड्स कैप्सिकम, देखिए फ्रेंड्स किस तरह से लगे हैं कैप्सिकम्स, कितने भरे भर भर के देखिए लगे हैं। थोड़ी सी मेहनत पर इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है बिना केमिकल के, जो मार्केट में दस्तियाब होती है कितने केमिकल्स इंजेक्शंस कई कई तरह के केमिकल्स डालते हैं अच्छे ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनिक